धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। उसी कड़ी को जोड़ते हुए वंचित वर्गों जैसे SC ST OBC को उच्च शिक्षण संस्थानों से बेदखल करने की साजिश रची जा रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जैसे देश और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया में लंबे अरसे से SC ST OBC वर्गों के अभ्यर्थियों को सुनियोजित तरीके से इंटरव्यू में अरोग्य घोषित कर दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन विश्वविद्यालयों में कई वर्षों से कई पद जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद खाली हैं। बहाना बनाया जाता है कि अभ्यर्थी योग्य नहीं है, जबकि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इन वर्गों के योग्य अभ्यर्थियों की भरमार है, लेकिन सामंतवादी सोच के कारण इन पदों को भरा नहीं जा रहा है। वर्तमान की बात करें तो हाल ही में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति के कार्यालय में संस्कृत विद्या, धर्म विज्ञान, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान संस्थान, दृश्य कला संकाय आदि के विभिन्न विभागों के साथ ही अर्थशास्त्र, कला, इतिहास, हिंदी, दर्शन शास्त्र, रसायन विज्ञान विभागों में बड़ी संख्या में SC ST और OBC वर्ग के योग्य अभ्यर्थियों के इंटरव्यू को मैं बुलाकर सुनियोजित तरीके से अयोग्य घोषित किया गया है। इसी तरह से चिकित्सा विज्ञान संस्थान के एनेस्थीसिया विभाग में वंचित वर्गों के लिए आरक्षित सभी पांचों पदों के अभ्यर्थियों का योग ठहराया गया, जबकि BHU के ही पास आउट छात्र थे वे। संस्कृत विद्या, धर्म विज्ञान में जिस अभ्यर्थी को चयन में अयोग्य ठहराया गया वह उसी संकाय का गोल्ड मेडलिस्ट है और वहाँ 5 साल। लालवानी जी, सर बस एक मिनट। समय समय पर प्रदेश के बेरोजगार छात्रों ने केंद्र और प्रदेश सरकार से अपनी समस्याओं का ज्ञापन देकर और धरना प्रदर्शन कर अवगत कराया है, फिर भी उन दोषी अधिकारियों द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि एक विशेष अभियान चलाकर शोषित वंचित पीड़ित वर्ग यानी SC ST OBC के लोगों के खाली पदों पर आरक्षण के अनुपात में भरा जाए, जिससे भारतीय संविधान की मूल भावना को बचाया जा सके और दोषी अधिकारियों को इस कार्य में संलग्न है उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। धन्यवाद सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।